हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, आई होप तो सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, आज हम एक और चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर अकाउंट करंट। एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है। जैसे आपने एवरेज ड्यू डेट देखा है, उसी से ही मिलते जुलते कॉन्सेप्ट पे हमारा बन जाता है ये अगला चैप्टर, अकाउंट करंट। एवरेज ड्यू डेट में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था डेट कैलकुलेशन और डेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन। वो क्या बताता है? एवरेज ड्यू डेट अगर हम देखें तो मल्टीपल ड्यू डेट्स में से हम एक डेट पिक करते थे, जिस डेट पे अकाउंट को सेटल करेंगे और देखेंगे कि भैया इंटरेस्ट का लॉस ना हो किसी भी पार्टी को। अकाउंट करंट में क्या आएगा? अकाउंट करंट में हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, हम एक डेट पर अकाउंट को क्लोज करेंगे। वो कोई भी डेट हो सकती है, ईयर एंड भी हो सकता है, मंथ एंड भी हो सकता है, या कोई भी अपनी पसंद की कोई भी डेट हो सकती है। उस डेट पर देखेंगे कि भैया नेट ऑफ करके जो बैलेंस आता है, क्या उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। भैया अगर सेल करी है तो सेल के अगेंस्ट में क्या होगा, पैसा आया भी होगा तो वो इंटरेस्ट अपने आप ही क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये नॉर्मल लेजर अकाउंट है, लेकिन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन साथ साथ ही होती चली जाएगी। ठीक है जी, तो लिखना स्टार्ट कीजिए सबसे पहले। हेडिंग डालिए जी, अकाउंट करंट। अगर मैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सर इसकी वेटेज है 5 मार्क्स, 5 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। रियल लाइफ की बात करूं तो जैसे मैंने एवरेज ड्यू डेट बताया था, उसमें कोई भी रियल लाइफ इंप्लीकेशन नहीं है। आजकल वो टॉपिक्स यूज नहीं होते। सेम टॉपिक अकाउंट करंट है, ये प्रैक्टिकली आजकल यूज नहीं होता, क्योंकि ये सारा काम सॉफ्टवेयर से रिप्लेस हो गया है। ये मैनुअल अकाउंटिंग टाइम के चैप्टर्स है। ठीक है जी, चलो लिखना शुरू करो। अकाउंट करंट मींस पार्टी अकाउंट इन विच इंटरेस्ट अकाउंट इज इनबिल्ट। ये एक तरीके का पार्टी अकाउंट है, जिसके अंदर ही हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस भी करनी है। पार्टी कुछ भी हो सकती है, सच पार्टी कैन हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। भैया पार्टी कुछ भी हो सकती है, डेबिट बैलेंस मतलब डेटर भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिटर भी हो सकता है, कोई भी पार्टी हो सकती है। एंड इट इज प्रिपेयर्ड, एंड इट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अलॉन्ग विथ। साथ साथ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम ये अकाउंट बनाते हैं। अगले के पार्टी कैन बी डेटर और क्रेडिटर। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। कब तक बनेगा? एक पर्टिकुलर डेट तक बनेगा, अप टू अ पर्टिकुलर डेट। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, अप टू अ पर्टिकुलर डेट। और उस डेट को हम क्या बोलेंगे? डेट ऑफ अकाउंट करंट, डेट ऑफ अकाउंट करंट। ठीक है जी, तो क्या कहते हैं ये देखो, अकाउंट करंट मींस पार्टी अकाउंट। ये एक तरीके से पार्टी अकाउंट है, जिसके हम साथ साथ ही क्या कर रहे हैं सर, इंटरेस्ट अकाउंट भी उसी के साथ साथ जोड़ते हैं। सच पार्टी कैन हैव अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड अलॉन्ग विद। इसमें साथ साथ हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट के कैलकुलेशन भी कर कर चलेंगे। पार्टी कैन बी डेट ऑफ क्रेडिटर, और ये अकाउंट एक पर्टिकुलर डेट तक बनेगा, उस डेट को हम क्या बोलेंगे, डेट ऑफ अकाउंट करंट। ठीक है, चलो आगे लिखो।
फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड। फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड। स्टेप नंबर वन, प्रिपेयर पार्टी अकाउंट विद ऑल ट्रांजेक्शंस गिवन। हमें जो भी ट्रांजेक्शंस दे रखी होंगी उससे हम नॉर्मल एक लेजर अकाउंट बनाएंगे। भैया जो भी सेल परचेज की ट्रांजेक्शन, पेमेंट रिसीट की ट्रांजेक्शन दे रखी होगी, हम उससे एक नॉर्मल एक लेजर अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले तो स्टेप टू, कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम ड्यू डेट, ड्यू डेट से लेकर टू डेट ऑफ अकाउंट करंट। हमें नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं। कहां से कहां तक के नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं? हमें नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं ड्यू डेट से लेकर डेट ऑफ अकाउंट करंट तक। ड्यू डेट से लेकर डेट ऑफ अकाउंट करंट तक के हमें डेज कैलकुलेट करने हैं। डेज कैलकुलेशन मैंने अच्छे से आपको एवरेज ड्यू डेट में सिखा दिया है, उसी तरीके से काम यहां पर भी होगा। देखो स्टेप थ्री, डेज शुड बी काउंटेड एज फॉलोज। डेज किस तरीके से कैलकुलेट होंगे, काउंटेड होंगे? देखो जी, अगर तो मैं ओपनिंग बैलेंस की बात करूं, ओपनिंग बैलेंस के केस में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा फर्स्ट डे, इंक्लूड फर्स्ट डे इन काउंटिंग। देखो एवरेज ड्यू डेट में भी यही था कि अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर है तो पहले दिन इंक्लूड करके चलता है। सेम यहां पर, क्योंकि देखिए अगर ओपनिंग बैलेंस ही दे रखा होगा तो मतलब पहले दिन पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा ना, क्योंकि वो तो पिछले डेट से कैरी फॉरवर्ड हो गया है, तो पहले दिन का भी उस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस के केस में पहले दिन को भी इंक्लूड करके चलना पड़ेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ डेज। और ट्रांजेक्शन के केस में, अगर ट्रांजेक्शन है तो जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है उस दिन थोड़ा ना ब्याज लगेगा, अगले दिन से लगना शुरू होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड ट्रांजेक्शन डेट, एक्सक्लूड ट्रांजेक्शन डेट। स्टेप फोर, इफ ड्यू डेट इज मिसिंग एज्यूम ट्रांजेक्शन डेट एज ड्यू डेट। अगर क्वेश्चन में ड्यू डेट मिसिंग है तो हम ट्रांजेक्शन डेट को भी ड्यू डेट ही मान लेंगे। स्टेप नंबर फाइव, इफ डेज आर नेगेटिव, अगर डेज हमारे पास नेगेटिव आ जाते हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। Then calculation should be negative. Calculation क्या रहेगी आपकी, negative ही रहेगी। It is called, red color से लिखता हूं, it is called red ink interest. It is called रेड इंक इंटरेस्ट। हाँ जी, अभी क्या है रेड इंक इंटरेस्ट, अभी देखते हैं। सिर्फ अगर डेज नेगेटिव आएंगे तो नेगेटिव तरीके से ही उसकी कैलकुलेशन शुरू कर देंगे आप लोग। इसमें एक चीज ध्यान रखना सर, आपके जो आईसीआई के मटेरियल में, आईसीआई के जो स्टडी मैट में सॉल्यूशंस दे रखे हैं, वो करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है इनकेस ऑफ नेगेटिव कैलकुलेशन, ठीक है?
तो आपको वो तरीका फॉलो नहीं करना, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा आप वो फॉलो करेंगे क्योंकि वो इजी है। स्टडी मैट वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जो मैं बताऊंगा वो आसान तरीका है, दोनों ठीक है, बिल्कुल 100% करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है जी, ओके। अब आप बनाइए फॉर्मेट, अकाउंट करंट बनेगा कैसे, फॉर्मेट ध्यान से देखिएगा, फॉर्मेट के सर मार्क्स हैं तो फॉर्मेट को बहुत अच्छे से देखिएगा। देखो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लिख दो फॉर्मेट, अकाउंट करंट अप टू, कौन सी डेट तक का है तो वो डेट आप लिखेंगे, अप टू कब तक का, जो भी डेट आएगी आप तो यहां पर आप लिख देंगे डेट कि कौन सी तारीख तक का आप अकाउंट बना रहे हैं, विद डैश पार्टी जो भी पार्टी का नाम है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ जो भी परसेंट है पर एनम वो लिख देना। एक तो ये तरीका है फॉर्मेट में, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या कहता है, हाँ जी दूसरे तरीके में आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं डैश इन अकाउंट करंट विद डैश, देखो इसमें तो आएगा जिसका जिसका अकाउंट है, जिस अकाउंट बना रहे हो, और विद डैश मतलब जिसकी बुक्स में, जिसकी बुक्स में, फॉर एग्जाम्पल आप एक्स का खाता बना रहे हो वाई की बुक्स में तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एक्स इन अकाउंट करंट विद वाई, अगर एक्स की बुक्स में वाई का अकाउंट बना रहे हो तो सॉरी वाई की बुक्स में एक्स का अकाउंट बना रहे हो तो आप लिखोगे एक्स का अकाउंट वाई की बुक्स में, तो एक्स इन अकाउंट करंट विद वाई, बाकी सेम रहेगा आपका, डेट आ जाएगी यहां पर और इंटरेस्ट का रेट आ जाएगा। ठीक है जी, तो दोनों में से कोई भी तरीके ठीक है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो ऊपर की हेडिंग, लेकिन फॉर्मेट को ध्यान देना। अब बनाओ फॉर्मेट, देखो कितने कॉलम्स आपको बनाने हैं, एक साइड पे, एक साइड पे आपको बनाने हैं 1 2 3 4 5 6, छह कॉलम्स बनाने चाहिए, तो छह कॉलम कैसे बनेंगे, बना लो 1 2 3 4 5, आई थिंक 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, एक साइड पे आपने छह कॉलम बना लिए, ये डबल लाइन कॉलम नहीं है, पहले इसका नाम लिख देते हैं, ये हो गया आपका डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट, यहां जाएगा आपका डेज, प्रोडक्ट, वन टू थ्री फोर फाइव, यहां आ गया आपका डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद आएगा आपका डेज एंड प्रोडक्ट, ठीक है जी। ये बन गया आपका फॉर्मेट, क्लियर है जी।
एक साइड आपकी डेबिट होगी और दूसरी साइड आपकी क्या होगी, क्रेडिट साइड होगी। अब आप क्या करेंगे, यहां पर तो सर आपकी डेट आ जाएगी, यहां पर फॉर एग्जांपल आप डेटर अकाउंट बना रहे हैं तो आपने लिखा टू सेल्स, अमाउंट आ गया, किस डेट पे पैसा ड्यू है, ड्यू डेट आ गई। अब डेज आएंगे, डेज कैसे निकलेंगे, डेज निकलेंगे सर ड्यू डेट से लेकर डेट ऑफ अकाउंट करंट तक, ड्यू डेट से लेकर इस डेट तक, ड्यू डेट से लेकर इस डेट तक, यहां पर डेज निकल के आ गए। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा अमाउंट, दिस अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज, अमाउंट को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेगा, आपका प्रोडक्ट निकल के आ गया। ठीक है, सेम ट्रांजेक्शन क्या हो सकती है, आपको सेल करी है तो कैश आ सकता है, तो बाय कैश, अगेन अमाउंट, ड्यू डेट। अब देखो कैश में कोई ड्यू डेट नहीं आएगी तो ट्रांजेक्शन डेट को ही ड्यू डेट मान लेंगे। डेज आ जाएंगे, डेज कब से कब तक, ड्यू डेट से लेकर डेट ऑफ अकाउंट करंट तक, प्रोडक्ट आ गया। देखो अगर आप ध्यान दिमाग लगाओ तो यहां हो क्या रहा है, यहां पर देखो अमाउंट नेट ऑफ हो जाएगा। कैसे नेट ऑफ हो जाएगा सर, इसमें से ये वाला अमाउंट नेट ऑफ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट क्या होगा सर, इंटरेस्ट भी तो नेट ऑफ हो जाएगा, हम लास्ट में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। मान लो सेल करी, पैसा रिसीव हुआ, पर आपका कुछ बच जाता है जी बैलेंस सीडी, तो बैलेंस सीडी के बेसिस पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहां पर करनी पड़ेगी। यह ध्यान रखना जिस साइड पे आपका बैलेंस आएगा उसकी ऑपोजिट साइड पे, जिस साइड पे आपका बैलेंस आएगा उसकी ऑपोजिट साइड पे आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, तभी आपका फाइनल बैलेंस आएगा। तो मैं इसको और क्लैरिटी से दिखाता हूं, इसको आप बैलेंस शीट अभी ना लिख करना, पहले आप क्या करो, तो हाँ जी इसको आप लिखो बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट का बैलेंस करोगे भाई, प्रोडक्ट का बैलेंस करोगे और उस प्रोडक्ट के बेसिस पर आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे कि ये जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आया इसको मल्टीप्लाई करोगे इंटरेस्ट से, डिवाइडेड बाय इनटू 1/365, क्योंकि ये प्रोडक्ट के ऊपर निकलेगा तो 1/365। हाँ जी, सो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, हमारे पास बेसिकली अकाउंट करंट के हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक होता है सर मींस ऑफ प्रोडक्ट मेथड जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। देखो यही दो मेथड आपके कुछ एग्जाम में एप्लीकेबल रहेंगे, ज्यादातर जो आता है आपका वो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट मेथड के ऊपर आता है, मींस ऑफ प्रोडक्ट मेथड। इसके हमारे पास मेरे ख्याल से दो ही क्वेश्चन है, तो ये दो क्वेश्चन आपने कर लिए तो ये अपने आप ही आपको पता लग जाएगा इसमें करना क्या है। ज्यादा फोकस हम रखेंगे इस पे क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं हमारे पास एग्जाम, ठीक है। तो मींस ऑफ प्रोडक्ट मेथड के बेसिस पे हम काम करेंगे, मैं पहले आपको क्वेश्चन पर लेके चलता हूं। सो क्वेश्चन नंबर, आई होप ये विजिबल होगा आपको, देखो जी क्वेश्चन नंबर वन पढ़ो ध्यान से, वो कहता है प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद शाह। किसके बुक्स में किसका अकाउंट बनाना है, वो कह रहा है नाथ ब्रदर्स के लिए अकाउंट बनाओ, यानी कि बुक्स किसकी है जी, नाथ ब्रदर्स की है, पर अकाउंट बनाना किसका है, शाम का अकाउंट बनाना है, ठीक है जी। ये तो समझ में आई कि नाथ ब्रदर्स की बुक्स में शाम का अकाउंट बनाना है, तो हमारे पास स्टार्ट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन, या तो हम क्या लिखें, या तो हम लिखें इन द बुक्स ऑफ
नाथ ब्रदर्स, अकाउंट करंट विद श्याम अप टू, कौन से डेट तक बोला मैं, अप टू, वो क्या कह रहा था, अप टू 1 फरवरी तक, ठीक है जी, तो अप टू 1 फरवरी 2016, अप टू 1 फरवरी 2016 एंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ जो भी रेट था 6% पर एन, 6% पर एन, ठीक है जी। एक तो ये तरीका लिखने का, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं श्याम इन अकाउंट करंट, श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स अप टू 1 फरवरी 2016 एंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एन। तो सर दोनों में से कोई भी चीज आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखनी जरूरी है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है जी। चलो फॉर्मेट बनाओ, नॉर्मल जैसे हम लेजर अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन 6 कॉलम्स का अकाउंट बनेगा, क्योंकि साथ साथ हमें प्रॉफिट निकाल के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी करके चलनी है। तो एक हो गया डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट, डेज, प्रोडक्ट। डेट थोड़ी सी लाइन सीधी नहीं आती है इसमें, कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा मैनेज करो। डेट, पर्टिकुलर्स, फॉर्मेट बनाते रहो आप साथ साथ, अमाउंट, ड्यू डेट, डेज एंड प्रोडक्ट, ठीक है बच्चे। अच्छा अब देखो ट्रांजेक्शन क्या कहती है, पहले नॉर्मल में ट्रांजेक्शन को पोस्ट करो, भी कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन कुछ नहीं कर रहा, डेज वेस कुछ नहीं, सिर्फ ट्रांजेक्शन डाल रहा हूं, अकाउंट बना रहा हूं। वो कह रहा है सबसे पहले 16 सितंबर 15 को गुड्स सोल्ड टू श्याम, 16 सितंबर को गुड सोल्ड टू श्याम, तो क्या लिखूंगा मैं श्याम के अकाउंट में, टू सेल्स, कितने रुपए की सेल करी हमने उसे, 200, 200, और इसकी ड्यू डेट उसने क्या दे रखी है, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर की आपकी ड्यू डेट है, ठीक है सर। इतना इतना काम करते हैं, अभी आगे देखो, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम 90 रुपीज, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम 90 रुपीज, क्या लिखूं, बाय कैश 90, कौन सी डेट पे, 1 अक्टूबर, 1, 10, 15, ड्यू डेट सर कैश रिसीव के केस में तो सेम ही रहेगी, क्योंकि इसके अलग से कोई ड्यू डेट तो होगी नहीं। ओके उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, श्याम से गुड्स खरीदे हैं 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को हमने श्याम से गुड्स क्या करे जी, परचेज करे हैं, तो क्या लिखूंगा, बाय परचेज, कितने रुपए की परचेज करिए जी, 500 रुपए की परचेज कर ली। ओके उसके बाद इसकी डेट क्या थी, इसकी डेट है हमारे पास 1 दिसंबर,
ठीक है जी। उसके बाद पेड टू शाम, पेड टू शाम, कैश पेड टू शाम, तो क्या लिखूंगा मैं जी, टू कैश, कितना पेमेंट करिए 330, 1 नवंबर को 330, फर्स्ट नवंबर को 330, तो 1/11/15 330। मेरे पास हार्ड कॉपी पड़ी है तो मैं क्वेश्चन ना वहीं से देख लेता हूं। हाँ जी, आप ये काम कीजिए, क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप भी वहीं से देखते चले जाइए। फर्स्ट नवंबर, उसके बाद फर्स्ट दिसंबर को, फर्स्ट दिसंबर को अगेन क्या है, पेड टू शाम, फर्स्ट दिसंबर को पेड टू शाम, टू कैश, कितना पे करा 330, फर्स्ट दिसंबर 15, ठीक है। इसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम शाम, उसने दोबारा खरीद लिए 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को दोबारा खरीदे बाय परचेज, कितना 500, ड्यू डेट इज 1 जनवरी 1/1/16। इसके बाद 10 दिसंबर को अगेन परचेज, 10 दिसंबर को अगेन परचेज, कितने की 200 की, एंड ड्यू डेट इज 1 जनवरी। उसके बाद पेड टू शाम, टू कैश, कौन सी डेट पे, 1 जनवरी को 1/1/16 को हमने शाम को पे करा कैश, कितना 600 रुपए, ड्यू डेट सेम रहेगी 1/1/16। जब भी ड्यू डेट ना हो तो वो सेम रहती है जी, एक सेकंड। हाँ जी, उसके बाद गुड सोल्ड टू शाम, 9/1/16 को टू सेल्स, 20, ड्यू डेट इज 1 फेब 16, ठीक है जी। ये सारी चीजें मैंने क्या करी, ट्रांजेक्शन को एंटर यहां पर कर दिया, ओके, ये मैंने ट्रांजेक्शन को यहां पर क्या कर दिया जी, एंटर कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान रखिएगा, मैं पेन कलर चेंज करता हूं, मैं रखता हूं यहां पर ब्लू। अब आपको डेज की कैलकुलेशन करनी है, डेज कहां से कहां तक जी, डेज रहेंगे आपके ड्यू डेट से लेकर, इस ड्यू डेट से लेकर कब तक के जी, अप टू द डेट ऑफ अकाउंट करंट, यानी कि 1 फेब तक, अप टू द डेट ऑफ अकाउंट करंट, ड्यू डेट से लेकर अप टू द डेट ऑफ अकाउंट करंट तक आपको जाना है। अब देखो 1 अक्टूबर 15 से 1 फेब 16 तक के डेज बताओ, डेज की कैलकुलेशन अगर आपको याद हो तो कैसे करते थे हम, 1 अक्टूबर 15 से 1 फेब तक के, देखो अक्टूबर में कितने होते हैं जी, 31 दिन होते हैं, क्या 1 तारीख को इंक्लूड करूंगा, सर ट्रांजेक्शन डेट है, नहीं करोगे तो -1, तो अक्टूबर के 30 दिन, अक्टूबर, देन नवंबर, देन दिसंबर 31, जनवरी 31, और 1 तारीख फेब की भी आ जाएगी, तो ये हो गया आपका 100 123। एक काम करता हूँ, थोड़ा और अलग चेंज कलर चेंज करता हूँ, सेम से अलग रहेगी, करते हैं रेड, ये हो जाएगा आपका 123, 130, ठीक है जी। फर्स्ट, अब उसके बाद आती है अगली, 1 नवंबर से लेकर 1 फेब तक के, नवंबर के हो गए 29 डेज, दिसंबर 31, जनवरी 31, फेब का ही, ये हो गया आपका 92 डेज। 1 दिसंबर से 1 फेब तक, दिसंबर के हो गए आपके 30, जनवरी 31, और फेब हो गया आपकी 62 डेज। 1 जनवरी से 1 फेब तक, ये हो गया आपका 31 डेज। देन 1 दिसंबर, दिसंबर ये क्या, 1 फेब, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, इसको आप कर लीजिए करेक्ट, तो ये जाएगा 1 फेब। तो बताओ मुझे 1 फेब से 1 फेब तक कितने दिन बनते हैं, हाँ जी 1 फेब से 1 फेब से सर कितने दिन लू बताओ, सोचो सोचो, 1 फेब से 1 फेब तक सर कुछ भी दिन नहीं, जीरो। अब इधर आ जाओ,
यहां पर भी सेम चीज चलेगी, फर्स्ट अक्टूबर से फर्स्ट फेब तक, फर्स्ट अक्टूबर से फर्स्ट फेब तक ये हमने ले लिए थे 123, फर्स्ट दिसंबर से फर्स्ट फेब तक ये हमने लिए थे 62, उसके बाद फर्स्ट जनवरी ये हो गया 31 और ये भी हो गया आपका 31। प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा अमाउंट अमाउंट मल्टीप्लाई डेज, अमाउंट मल्टीप्लाई डेज, तो 200 × 123 24,600, 330 × 92 ये हो गया आपका 30,360, 330 × 62 20,460, 600 × 31 18,600 और ये हो गया 0। इधर देखो 19 × 123 11,070, 500 × 62 31,000, 531, 15,500, 6,200, ठीक है जी। बताओ जी यहां तक कहानी समझ में आती है, यहां तक कहानी समझ में आती है, हाँ जी, डेज कैलकुलेशन और प्रोडक्ट कैलकुलेशन समझ में आती है, ओके सर। अब क्या करना है आपको, अब आपको इसको पैकअप करना है, इसको क्लोज करना है, हमें कौन सी डेट तक का अकाउंट बनाना था जी, फर्स्ट फेब तक का अकाउंट बनाना था, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा सर पहले तो कलर चेंज, फर्स्ट फेब 16, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं प्रोडक्ट का बैलेंस निकालूंगा बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, जरूरी नहीं है क्रेडिट साइड है, ये तो मेरे को पता है क्रेडिट साइड आएगा लेकिन ये डेबिट साइड भी हो सकता है, आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली जैसे बैलेंस करते हैं ना अकाउंट को क्लोज करते हैं, वो देखना पड़ेगा कि बैलेंस किधर की तरफ आ रहा है, बताइए जी बैलेंस किधर की तरफ आ रहा है, बैलेंस किधर की तरफ आएगा, और जो कि आएगा आपका एक बार चेक कर लेते हैं, 2,600 प्लस 60 प्लस 20,460 प्लस 18,600 माइनस 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 यह आता है 30,250, 30,250, ठीक है जी, ये आपका बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आता है। अब ध्यान आपको क्या रखना है, जिस भी साइड पे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आएगा, सुनते रहना मेरी बात, जिस भी साइड पे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आएगा उसकी ऑपोजिट साइड पे आपको क्या करनी है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, तो फर्स्ट फेब 16 को आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट, इसका मतलब आपने क्या करा जी, आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है, ये क्या हो गया, आपने इंटरेस्ट क्या करा है, पार्टी से चार्ज किया है, कैसे निकलेगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकलेगा आपका जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट था, दैट इज योर 30,250 का 6% इंटू 1/365, सर 1/365 क्यों किया, क्योंकि हम प्रोडक्ट के बेस पे इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट में अपने आप ही डेज का इफेक्ट इंक्लूड हो जाता है, ये जितने भी आपने प्रोडक्ट निकाला है, ये देखो जो 30,250 आ रहा है, ये 30,250 क्या आ रहा है, ये प्रोडक्ट का बैलेंस आ रहा है, और हर एक प्रोडक्ट में अगर आप देखो 24,630 इसमें ये डेज का इफेक्ट इंक्लूड हो ही गया ना, तो इसलिए डेज का कोई चक्कर नहीं, तो 1/365 आप कर सकते हो, 6% डिवाइडेड बाय 3 तो ये आता है आपका 4.97। अब देखो क्या करना है, देखो सर प्रोडक्ट तो क्लोज हो ही गया, क्योंकि जब प्रोडक्ट को बैलेंस ही कर दिया तो प्रोडक्ट तो क्लोज हो गया था, तो ये हमने प्रोडक्ट तो यहां पर क्लोज कर दिया, अब फाइनल बैलेंस में आपको काम करना है, फाइनल बैलेंस क्लोज कर लो, नॉर्मली जो फाइनल बैलेंस निकलता है उसमें इंटरेस्ट और जुड़ जाएगा, कर लो जी सिंपल, 200 + 330 + 600 + 20 + 4.97 - 90 - 500 - 200 ये आ गया 194.97, तो आप लिखोगे 0.216 को बाय बैलेंस सीडी 194.97, ठीक है बच्चे, ये आपका क्या है जी अकाउंट करंट, तो अकाउंट करंट में क्या देखा हमने, हमने अकाउंट करंट में देखा कि इट इज
इट इज अ नॉर्मल पार्टी अकाउंट, जिसके साथ साथ हमने क्या करा जी, इंटरेस्ट के अकाउंट को भी क्या करा इसमें इनबिल्ट, इंटरेस्ट के अकाउंट को भी हमने इनबिल्ट कर दिया। ठीक है जी, क्लियर हुआ? जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होती होगी। ओके, अब आ जाओ, कुछ मेरे को आपको नोट और लिखवाने हैं दो पॉइंट, तो वो दो पॉइंट और लिखो नोट्स। फर्स्ट पॉइंट, पहले एक स्टेटमेंट लिख लो, लिखो व्हाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज। डेज कैलकुलेट करने के लिए वहां पर दो मेथड है, टू मेथड्स आर बीइंग फॉलोड, दो मेथड फॉलो करे जाते हैं। फर्स्ट मेथड आता है आपका फॉरवर्ड मेथड, फॉरवर्ड मेथड। देखो अंडर दिस मेथड द नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड, द नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द ड्यू डेट, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन अप टू द डेट ऑफ अकाउंट करंट। ड्यू डेट से लेकर अकाउंट करंट की डेट तक काम करते हैं अंडर फॉरवर्ड मेथड। ये जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया वो फॉरवर्ड मेथड ही था। एक और हमारे पास मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं बैकवर्ड मेथड, बैकवर्ड, और इसका एक और नाम है ईपॉक, बैकवर्ड और। ईपॉक मेथड उल्टा चलना होता है, बैकवर्ड और ईपॉक मेथड। अंडर दिस मेथड द नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओपनिंग डेट, ओपनिंग डेट से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, फ्रॉम द ओपनिंग डेट ऑफ स्टेटमेंट। जब भी खाता खुलता है, जब भी अकाउंट ओपन हो रहा है, उस डेट की ओपनिंग डेट से, फ्रॉम द ओपनिंग डेट ऑफ द स्टेटमेंट टू द ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें ध्यान रखना इंक्लूड, अब देखो इसमें तो क्लोजिंग बैलेंस पे भी देखो, अगर फॉरवर्ड मेथड चलते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस पे डेज नहीं निकलते क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस और अकाउंट करंट की डेट तो सेम है, लेकिन यहां पर निकलेंगे बैकवर्ड मेथड में, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड ओपनिंग डेट इन क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग डेट आपको इंक्लूड करके चलनी पड़ेगी। अब मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो सर यही मेथड आपको करना है, बैकवर्ड का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, तो बैकवर्ड आपको करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू फॉलो ओनली फॉरवर्ड मेथड। बैकवर्ड इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया, थ्योरेटिकली अगर कहीं एमसीक्यू कह रहा हूं ट्रू फॉल्स वगैरह में या कोई शॉर्ट नोट टाइप में अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको बैकवर्ड मेथड का कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है बच्चे, चलो तो ये हमारा है था अकाउंट करंट का प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड की ही ज्यादातर क्वेश्चन है, ये जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे यहां पर ये सारे के सारे आपके प्रोडक्ट मेथड के ही क्वेश्चन हैं। हाँ जी, ज्यादातर क्या आपके सारे प्रोडक्ट के क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ हो गया, सिक्स्थ सेवेंथ
दैट्स इट। सिक्स्थ और सेवन्थ आपके कौन से हैं जी? प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड के, बाकी सारे आपके प्रोडक्ट मेथड के क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर टू। सारे क्वेश्चन मैं आपको यहां नहीं कराने वाला, अभी तो मैं स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, लेकिन धीरे धीरे आप खुद घर पे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर टू पढ़िए। आइए जी क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। वो क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर सिंह टू मिस्टर पॉल एज ऑन 31st August 2016, इंटरेस्ट मस्ट बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10% एंड वन ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। ठीक है जी, अकाउंट करंट किसको बनाना है? अकाउंट करंट इज टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह बनाएगा किसका अकाउंट? मिस्टर पॉल का अकाउंट। यानी कि इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सिंह हमें मिस्टर पॉल का अकाउंट बनाना है। तो मुझे बताइए किस तरीके से आप यहां पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू बताइए। अब मैं कौन से वाले तरीके से लिखूं, इन द बुक्स वाले तरीके से लिखूं या दूसरे वाले तरीके से लिखूं? दूसरे वाले तरीके से लिखते हैं, मिस्टर पॉल इन अकाउंट करंट विद मिस्टर सिंह। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है जी मिस्टर सिंह की बुक्स में मिस्टर पॉल का अकाउंट अप टू कौन सी डेट तक बनाना था जी? अप टू 31st August 2016, अप टू 31st August 2016। और इंटरेस्ट क्या था? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है जी, अब बनाते हैं फॉर्मेट। बनाइए जी फॉर्मेट, बनाइए साथ साथ। कितने कॉलम्स सर? 6 कॉलम्स। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट, डेज एंड प्रोडक्ट। ये 6 कॉलम हो गए। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट, डेज एंड प्रोडक्ट। तो ये हमारा जी फॉर्मेट हो गया। चलिए आइए जी सबसे पहली ट्रांजेक्शन पर। वो कह रहा है 1st June 2014, ये 14 की जगह इसे आप कर लीजिए 16। ठीक है जी, 11 जून 2016 को गुड्स सेंट टू मिस्टर पॉल। गुड सेंड का मतलब क्या होता है जी? सेल कर देना। तो यानी कि 11 जून को क्या करा जी? सेल करी, टू सेल्स। कितने रुपए की सेल्स करी? सेल्स करी हमने 1020। क्या यहां पर ड्यू डेट गिवन है? बताइए जी क्या यहां पर ड्यू डेट गिवन है? आंसर इज नो। तो हम क्या लेंगे? हम ट्रांजेक्शन डेट को ही ड्यू डेट मान के चलेंगे। यानी कि 11 जून ही हमारी क्या हो जाएगी? ड्यू डेट हो जाएगी। उसके बाद 15 जून को कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर पॉल। 15 जून को पहले मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, सारी ट्रांजेक्शन को एंटर कीजिए। 15 जून को बाय कैश 500 रिसीव्ड हुआ, 500। डेट इज 15 जून 16। उसके बाद अगेन 20 जून को गुड सेंड टू मिस्टर पॉल 650। 20 जून को टू सेल्स 650, 20 जून 16। उसके बाद अगेन 7 जुलाई को 700 की सेल,
सात जुलाई को 700 की सेल्स। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर पॉल 1100, 8 अगस्त को बाय कैश कितना जी, 1100। ये हमने क्या करा जी, ट्रांजेक्शन को एंटर किया। अब डेज कैलकुलेशन करता है, क्या थे डेज कैलकुलेशन बताइए जी। डेज कैलकुलेशन में क्या करना था, हमें लेने थे ड्यू डेट से लेकर अकाउंट करंट तक की डेट तक के डेज, ड्यू डेट से लेकर अकाउंट करंट तक की डेट, 11 जून से 31 अगस्त तक के डेज बताइए जी। 11 जून यानी कि 30 माइनस 11, 19 डेज तो जून के, 31 डेज जुलाई के और 31 डेज अगस्त के, ये हो गया आपका 81, या था आपका 81। उसके बाद 20 जून से 31 जुलाई, 30 माइनस 20, 10 दिन जून के, 31 प्लस 31 ये हो गया 72। 7 जुलाई से 31 अगस्त, 7 जुलाई और 31 ये हो गया आपका 55। फिर 15 जून से 31 अगस्त, 15 जून जुलाई अगस्त 77, 8 अगस्त से 31, 31 माइनस 8 ये हो गया 23। प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें करना पड़ेगा अमाउंट मल्टीप्लाई बाय डेज, अमाउंट इनटू डेज। तो 1020 इनटू 81 ये हो गया 82620, 82620। उसके बाद 650 इनटू 72, 46,800, 700 इंटू 55, 38,500, 500 इंटू 77, 38,500, 1100 इंटू 23, 25,300। ओके, अब क्या करेंगे जी, अब हम करेंगे प्रोडक्ट का बैलेंस। 31 अगस्त को हम लिखेंगे बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ये देख लेते हैं, क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है, डेबिट पे आ सकता है, देख लेते हैं जरा क्या आ रहा है। आई थिंक ये क्रेडिट साइड पे ही आएगा। तो कितना आएगा, एक बार कैलकुलेट करते हैं इसे। 82620 प्लस 46,800 प्लस 38,500 माइनस 38,500 माइनस 25,300, 104120, 104120। अब ऑपोजिट साइड पे आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट के कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि 31 अगस्त 16 को इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा टू इंटरेस्ट। कैसे निकलेगा जी इंटरेस्ट बताइए, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा 104120 का 10% इंटू 1/365 का 10% डिवाइडेड बाय 365 ये हो गया आपका 28.53, 28.53। अब क्या करेंगे आप, अब आप अकाउंट को क्लोज करेंगे, क्या लिखेंगे जी, 31 अगस्त 16 को बाय बैलेंस सीडी ये हो गया आपका 1020 प्लस 650 प्लस 700 प्लस 28 माइनस 500 माइनस 1100, 798.53, 798.53। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये भी क्लोज हुआ, ये भी क्लोज हुआ, ये भी क्लोज हुआ एंड प्रोडक्ट भी क्लोज हो गया। ठीक है जी, आई होप ये समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। बताइए बच्चों, हाँ जी बोलिए जी, क्लियर हुआ। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दे सकता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स
मेक अप एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय एस गुप्ता टू ए एल्डर. अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय एस गुप्ता टू ए एल्डर कौन बना रहा है जी? एस दास गुप्ता बना रहा है ए हेल्डर का अकाउंट, यानी कि एस गुप्ता की बुक्स में ए हेल्डर का अकाउंट, यानी कि ए हेल्डर इन अकाउंट करंट विद एस गुप्ता अप टू 31 दिसंबर, और इंटरेस्ट है 5% पर एनम का. ये देखिए जी, ओपनिंग बैलेंस हो गया. ओपनिंग बैलेंस के केस में डेज कैलकुलेशन करने के समय में आपको ओपनिंग बैलेंस वाली डेट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना. गुड सोल्ड टू ए हेल्डर कैश रिसीव, गुड सोल्ड कैश रिसीव, ए हेल्डर एक्सेप्टेड दास गुप्ता बिल. एक्सेप्टेंस होती है तो क्या होता है जी, अब पार्टी ने एक्सेप्ट किया तो हमारे लिए क्या होगा? बीआर होगा. ये कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, नॉर्मल बीआरबीपी का कंसेप्ट है. देखो, जो डेटर होता है वो क्या करता है, वो बीआर ड्रॉ करता है, उसे क्रेडिटर उसे क्या करता है जी, एक्सेप्ट कर लेता है. तो आपको दे रखा है कि भैया क्रेडिटर ने एक्सेप्ट किया है, तो डेटर के लिए तो क्या बनेगा, डेटर के लिए तो बीआर बनेगा. हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, हम तो डेटर की बुक्स में अकाउंट बना रहे हैं, तो डेटर के लिए क्या बनेगा जी, बीआर बन जाएगा, तो वो बीआर रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. गुड्स बॉट फ्रॉम ए होल्डर, गुड्स सोल्ड टू ए होल्डर, कैश रिसीव, इन नॉर्मल चीजें हैं, ये आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो. बताइए जी, क्वेश्चन हो सकता है ये वाला? ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का होमवर्क है. क्वेश्चन 3 होमवर्क, ठीक है जी, आगे आइए. क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको कराता हूं. इसमें टोटल क्वेश्चन देखते हैं कितने हैं, 14 क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए. फ्रॉम द प्रिपेयर एन अकाउंट करंट एज सेंड बाय ए टू बी ऑन 30th जून 2016 बाय मींस ऑफ द प्रोडक्ट मेथड चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. ठीक है जी, नॉर्मल क्वेश्चन है कि अकाउंट करंट बनाना किसको है. एज सेंड बाय ए टू बी, यानी कि ए बना रहा है बी का अकाउंट, ए की बुक्स में बी का अकाउंट बन रहा है. ट्रांजेक्शन देखते हैं. बैलेंस ड्यू फ्रॉम बी, बी से पैसे लेने हैं, तो बी हमारा क्या हो गया जी, डेटर हो गया. ओपनिंग बैलेंस आ गया टू बैलेंस बीडी. याद रखना, ओपनिंग बैलेंस के केस में हमें पहली तारीख को भी, यानी कि जीए वाली जो डेट है, इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ डेज. ठीक है जी. देन सोल्ड गुड्स टू बी, बी को गुड्स बेचे तो टू सेल्स हो गया, बी रिटर्न द गुड्स तो सेल रिटर्न होगी. बी पेड बाय द चेक, यानी कि बी ने पेमेंट करी है चेक से, तो बाय बैंक आ जाएगा. बी एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय ए, ए ने एक बिल ड्रॉ किया जिसको बी ने एक्सेप्ट किया, तो हम अकाउंटिंग किसकी बुक्स में कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ए की बुक्स में, तो ए के लिए क्या बनेगा, वो ए के लिए बनेगा बी आर. देखो, जिसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, जिसकी बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हो, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे. तो बिल ड्रॉ किसने किया था, ए ने किया था, जिसको बी ने एक्सेप्ट किया, तो ए के लिए क्या बन गया, वो बी आर बन गया. देन गुड्स सोल्ड टू बी, गुड बी को गुड्स बेचे और रिसीव कैश फ्रॉम बी. आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद कर सकते हो, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं. तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया होमवर्क. आगे जी, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ये मैं आपको करा देता हूं. अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक ये रेडिंग का क्वेश्चन आएगा, अभी देखते हैं रेडिंग क्या है. वो कहता है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2016. एक्स और वाई के बीच में ट्रांजेक्शन हुई. सबसे पहला अमाउंट पेबल बाय एक्स टू वाई, एक्स को पैसा पे करना है टू वाई. अगर मैं वाई के लिए बोलूं तो एक्स क्या है, एक्स डेटर है, और अगर एक्स के लिए बोलूं तो वाई क्या है, वाई है क्रेडिटर है. अभी देखते हैं किसके लिए अकाउंट बनाना है. उसके बाद रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई, रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई फॉर टू मंथ. एक्स की एक्सेप्टेंस वाई ने एक्सेप्ट कर ली, एक्स की एक्सेप्टेंस वाई ने एक्सेप्ट कर ली, यानी कि एक्स का बीआर किसने एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट किया जी, वाई ने एक्सेप्ट किया. आगे देखते हैं, बीआर एक्सेप्टेड बाय वाई, बीआर एक्सेप्टेड बाय वाई ऑन 7th Feb इज ऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट. ठीक है जी, जो बीआर था वो ऑनर हो गया, पेमेंट वगैरह हो गई है. एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई इनवॉइस डेटेड 10th May 2016. ठीक है जी, एक्स ने गुड्स बेचे वाई को जिसकी इनवॉइस की डेट क्या है, 10th मई को. गुड्स तो हमने सेंड कर दिए 10th अप्रैल को, लेकिन इनवॉइस की डेट क्या है, 10th मई, तो ये एक तरीके से ड्यू डेट ही हो जाएगी. एक्स रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम वाई, एक्स को पैसा चेक मिला किससे, वाई से चेक मिला, 12 अप्रैल को चेक मिला, लेकिन चेक पे डेट क्या डली हुई है, 15 मई, तो ड्यू डेट क्या बन जाएगी, 15 मई. उसके बाद वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स इनवॉइस डेटेड 15 मई, एक्स रिटर्न कहां गया, एक मिनट,
एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय वाई ऑन 15th अप्रैल, एक्स ने गुड्स को रिटर्न किया, उसके बाद बिल एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिसऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट। ठीक है जी, करते हैं क्वेश्चन, आइए जी करना स्टार्ट कीजिए। पहले तो आप नॉर्मल लेजर अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा बनाना क्या है, एक बार ये पढ़ो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, एक मिनट, इसमें एक लाइन ऐड कर लेना, यहीं पर ऐड कर लो, प्रिपेयर एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय x to y, x बना के दे रहे हैं y को, यानी कि x की बुक्स में y का अकाउंट है एज ऑन 30th अप्रैल 2016 इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एज्यूम 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है। चलो ये पॉइंट आप लिख लेने, ये क्वेश्चन में रह गया होगा पॉइंट, आपके पास बुक होगी तो हो सकता है उसमें रह गया हो। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स की बुक्स में वाई का अकाउंट बन रहा है जी, एक्स की बुक्स में वाई का अकाउंट बन रहा है, तो मैं अब इसको लिखता हूं वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स अप टू 30th अप्रैल 2016 इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एन। ठीक है जी, बनाओ फॉर्मेट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट ड्यू डेट डेज प्रोडक्ट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट ड्यू डेट डेज प्रोडक्ट। ठीक है, देखो जी, अब हम बना रहे हैं x की बुक्स में y का अकाउंट, तो x के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ट्रांजेक्शन को, x के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। क्या था, अमाउंट पेबल बाय x टू y, अमाउंट पेबल बाय x टू y, यानी कि x को पे करना है, तो y क्या बन गया x के लिए, y बन गया जी x के लिए क्रेडिटर। तो 1st अप्रैल 16 को ये क्या रहेगा जी, क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब बाय बैलेंस बीडी, कितने रुपए का क्रेडिटर, 10,000 रुपए का क्रेडिटर। ठीक है जी, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। ओके, उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड एन एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई फॉर 2 मंथ, रिसीव्ड एन एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई फॉर 2 मंथ, बताइए जी एक्स टू वाई फॉर 2 मंथ एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है, तो एक्स के लिए क्या है, देखिए दोबारा पढ़ो ध्यान से, रिसीव्ड एन एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई फॉर 2 मंथ, एक्सेप्टेंस किसकी है सर, एक्सेप्टेंस है एक्स की, वाई ने कोई बिल ड्रॉ किया था जिसको एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्स के लिए क्या बनेगा, एक्स के लिए बनेगा सर बीपी, एक्सेप्टेंस किसकी है, एक्स की है, तो एक्स के लिए क्या बनेगा, बीपी बनेगा, ड्रॉ किसने किया था, वाई ने किया था, तो बीपी बनेगा हमारा 7th अप्रैल को 2 महीने का 5,000 रुपए का।
सेवेंथ अप्रैल को 2 महीने का 5,000 रुपये का, तो ड्यू डेट क्या रहेगी यहाँ पर? अच्छा, इसकी तो ड्यू डेट सेम ही होगी 1/1/1416। यहाँ ड्यू डेट क्या रहेगी? 7 अप्रैल में 2 महीने जोड़ दो, 4, 5, 6 और 10, तो ड्यू डेट रहेगी 10th June 16। ठीक है जी, ओके। आगे, बी आर एक्सेप्टेड बाय वाई ऑन 7th Feb इज ऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट। मुझे बताइए, जो बी आर एक्सेप्ट हुआ था, बी आर जो एक्सेप्ट हुआ था, वाई ने जो बी आर एक्सेप्ट किया था वो ऑनर हो गया। मुझे बताइए, ऑनर होने की एंट्री कुछ बनेगी यहां पर? सर, ऑनर होने की तो कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। अरे, बी आर एक्सेप्ट हो गया, बी आर क्या जो एक्सेप्ट किया था वो क्या हो गया? ऑनर हो गया, तो क्या कोई एंट्री बनेगी? आंसर इज एंट्री कोई भी नहीं बनेगी, क्योंकि जब बी आर ड्रॉ किया था तो एंट्री डाली थी बी आर टू वाई, वो तो पहले डल चुकी है। अब ये ऑनर हो गया, ये क्या हो गया जी? ऑनर हो गया, तो ऑनर की एंट्री क्या बनेगी? ऑनर की एंट्री तो कैश टू बी आर बननी चाहिए, तो कैश टू बी आर का यहां पर तो कोई भी इंपैक्ट नहीं आ रहा, इफेक्ट नहीं आ रहा, तो यहां पर कोई भी इसकी एंट्री बनेगी नहीं। नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़ो। वो कह रहा है बी आर एक्सेप्टेड बाय वाई, एक्स ने कोई बिल ड्रॉ किया था जिसको वाई ने एक्सेप्ट किया ऑन 7th Feb 16, 7 फरवरी का बिल था, इज ऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट। ये 10th अप्रैल क्या है? ये 10th अप्रैल ड्यू डेट है, आज के दिन वो क्या हो गया? ऑनर हो गया, मतलब पेमेंट होगी। तो 7 फरवरी को एंट्री डली होगी ये वाली, 7 फरवरी को एंट्री डली होगी जी बी आर टू वाई, और जब ऑनर हुआ आज एंट्री क्या डल रही है? आज डल रही है कैश टू बी आर। तो आज की डेट में कैश टू बी आर की एंट्री में क्या कोई वाई के अकाउंट में रोल आ रहा है? आंसर इज कोई भी रोल नहीं आ रहा। हाँ, अगर डिसऑनर हो जाता, अगर ये बिल डिसऑनर होता तो एंट्री रिवर्स हो जाती, तब इंपैक्ट आता यहां पर। ठीक है जी, तो ऑनर होने का कोई भी इंपैक्ट यहां पर नहीं आएगा, तो आप इस एंट्री को नहीं करेंगे। आप चाहे तो मैं आपको लिखवा देता हूं, नोट करके लिख लीजिए, नोट क्या लिखेंगे? खुद बनाने की कोशिश कीजिए स्टेटमेंट को, बताइए जी, खुद बनाने की कोशिश कीजिए। सिंस बी आर इज ऑनर्ड ऑन 10th April 16, देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन द अकाउंट ऑफ वाई। ठीक है जी, डिसऑनर होता तो काम होता, लेकिन ऑनर होने की कोई भी एंट्री यहां पर पास नहीं होगी, क्योंकि वो तो बी आर अकाउंट में जाएगी एंट्री। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स ने गुड्स बेचे हैं वाई को, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, तो एक्स ने गुड्स बेचे हैं वाई को, तो एक्स क्या लिखेगा? एक्स लिखेगा टू सेल्स। टेंथ अप्रैल को ट्रांजेक्शन डेट इज 10th अप्रैल, लेकिन इनवॉइस डेट इज 10th मई, तो ड्यू डेट क्या हो जाएगी हमारी? इनवॉइस डेट हो जाएगी 15,000 रुपए का। ठीक है जी, ओके। एक्स रिसीव्ड चेक फ्रॉम वाई, एक्स रिसीव चेक फ्रॉम वाई, एक्स को चेक रिसीव हुआ, तो चेक रिसीव हुआ तो एंट्री क्या बनेगी? बाय बैंक। कितने का चेक रिसीव हुआ जी? चेक रिसीव हुआ 7500 का। चेक की डेट है कब रिसीव हुआ? 12 अप्रैल को, लेकिन चेक पे डेट क्या डली हुई है? चेक पे डेट डली हुई है 15 मई, तो ड्यू डेट क्या हो जाएगी? 15 मई, 15th मई ड्यू डेट रहेगी। उसके बाद, एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय वाई, एक्स ने गुड्स को रिटर्न कर दिया जो वाई ने भेजे थे, वाई ने भेजे थे, वाई ने सेंड करे थे, तो एक्स के लिए परचेज थी, एक्स वो रिटर्न कर रहा है, तो एक्स क्या एंट्री डालेगा? एक्स लिखेगा टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। कौन सी डेट पे? 20 अप्रैल। हाँ जी, और सोल्ड बाय वाई 15 अप्रैल, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 15 अप्रैल नहीं होगा, ये 15 मई होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये 15 मई होगा, तो हो जाएगा 15th मई 16। इसका अमाउंट कितना है? 1000। एक एंट्री रह गई क्या? हाँ जी, एक मिनट, ये वाली एंट्री रहेगी 15th अप्रैल वाली,
15 अप्रैल को परचेज भी करी थी, ठीक है, बाय परचेज, परचेज करी तभी तो परचेज रिटर्न, तो बाय परचेज कितने की परचेज करी है, 6000 की, जिसकी ड्यू डेट है 15 मई, तो इसी में से ये गुड्स रिटर्न हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद बिल एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिसऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट, जो बिल एक्सेप्ट हुआ था वो डिसऑनर हो गया। अब ध्यान से पढ़ना, वो क्या कह रहा है, बिल एक्सेप्टेड बाय वाई, एक्सेप्टेड बाय वाई मतलब एक्स ने बिल ड्रॉ किया था, तो एक्स के लिए बीआर था, एक्स के लिए बीआर था, तो एक्स ने कभी बिल ड्रॉ किया तो एंट्री क्या डाली होगी, एक्स ने डाली थी बीआर टू वाई बिल ड्रॉ करने की, लेकिन आज वो डिसऑनर हो गया, तो आज वो डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री रिवर्स हो जाएगी, एंट्री बनेगी वाई टू बीआर, एंट्री क्या बनेगी वाई टू बीआर, तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, टू बीआर, कौन सी डेट पे, 20 अप्रैल, सिंस कोई भी डेट नहीं दे रही तो मैं इसमें डेट ड्यू डेट सेम ही ले लूंगा, 20 अप्रैल, अमाउंट इज 5000। ओके जी, अब करते हैं हम कैलकुलेशन डेज की, अब डेज की कैलकुलेशन करना बड़ी ध्यान से, हाँ जी, चलो डेज की कैलकुलेशन कहां से कहां तक की सर, ड्यू डेट से लेकर, ये जो हमारी ड्यू डेट है इससे लेकर डेट ऑफ अकाउंट करंट तक की, तो बताइए 10 जून से 30 अप्रैल सर, 10 जून से 30 अप्रैल, हाँ जी, अब ये हमारी कैलकुलेशन शुरू होगी नेगेटिव डेज की, इसे हम बोलेंगे रेड इंक इंटरेस्ट, तो 10 जून से 30 अप्रैल के कितने दिन बनेंगे, 10 जून से 30 अप्रैल, ध्यान से बताओ सर, नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, लेकिन डेज अब नेगेटिव हो जाएंगे, तो अगर नेगेटिव होंगे तो मैंने बताया था नेगेटिव होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नेगेटिव तरीके से ही लिखना है, 10 जून से 30 अप्रैल तक कितने दिन बताओ, 30 अप्रैल से 10 जून तक बता दो ना, तो हो गया आपका मई और जून 41 डेज, लेकिन ये 41 डेज आपके क्या रहेंगे, नेगेटिव है, तो ये सारे कैलकुलेशन मैं रेड कलर से ही लिखूंगा, 41 डेज नेगेटिव, ठीक है जी। उसके बाद 10th मई से 30th अप्रैल ये भी सर क्या हो जाएगा, नेगेटिव 10 दिन, 15 मई से 30th अप्रैल ये भी नेगेटिव हो जाएगा 15 दिन, 20th अप्रैल से 30th अप्रैल ये पॉजिटिव रहेगा हमारा 10 दिन, इधर आओ 1st अप्रैल से 30th अप्रैल ओपनिंग बैलेंस है तो फर्स्ट डे भी इंक्लूड करेंगे तो ये 30 दिन पॉजिटिव, उसके बाद 15 मई से 30th अप्रैल ये हो जाएगा आपका नेगेटिव 15 डेज, एंड 15 मई से 30th ये भी नेगेटिव 15 डेज, जो जो भी नेगेटिव है उसकी कैलकुलेशन नेगेटिव करते चले जाओ, 5000 × 41 तो हो गया नेगेटिव 205000, नेगेटिव 205000, 15000 × 10 तो हो गया नेगेटिव 150 1000 × 15 ये हो गया नेगेटिव 15000। उसके बाद 5000 ये 50000 ये पॉजिटिव आ गया, ये हो गया आपका 10000 × 30 ये हो गया 300000 पॉजिटिव, 7500 × 15 ये नेगेटिव 1,12,500, 1,12,500 नेगेटिव, 6000 × 15 ये 90,000 नेगेटिव, ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आती है, हाँ जी। अब आप निकालो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालोगे सर, एक साइड को पकड़ के चलो, ध्यान से समझना, यहां पर बच्चे गड़बड़ी करते हैं, एक साइड को पकड़ के चलो सर, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये ने।
किसी भी साइड को पकड़ के चल लो, डेबिट साइड को अगर आप पकड़ के चलोगे तो आपका क्या आएगा, पहले डेबिट साइड की सारी आइटम्स यानी कि इन सब आइटम्स का देखो जोड़ कितना आता है। ये देखो माइनस 2,05,000, इसको कैलकुलेट करते हैं, 2,05,000 माइनस 150 माइनस 15,000 प्लस 50,000, ये आता है सर 3,20,000 माइनस। अब अगर आप 3,20,000 माइनस में से क्या फिगर आपकी 3,20,000 माइनस, अगर आप 3,20,000 माइनस में से अगेन माइनस कर दोगे, सर बैलेंस निकालने के लिए माइनस करोगे ना, अगेन माइनस कर दोगे इन सब का जोड़, इन सब का जोड़ देखो कितना है, इन सब का जोड़ है आपका 3,00,000 माइनस 1,12,500 माइनस 90,000, तो हो गया 97,500, यानी कि 3,20,000 में से माइनस कर दोगे 97,500 माइनस 3,20 माइनस 97,500, तो ये आएगा आपका माइनस के 4,17,500, यानी कि क्रेडिट साइड पे आपका क्या आता है बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट माइनस 4,17,500, क्योंकि माइनस आ रहा है, क्योंकि माइनस आ रहा है तो आप कहां लिख देंगे, आप डेबिट साइड पे लिख देंगे टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, कितना जी, अब आप पॉजिटिव लिख सकते हो कितना 4,17,500, April 30 को, तो ये तो हमारा क्लोज हो गया, ठीक है जी। बताओ पॉइंट समझ में आया, दोबारा सुनो सर, नेगेटिव केस में बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालना है, किसी भी साइड को पकड़ के चल लो, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, तो आप क्या लोगे डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे तभी बैलेंस निकालोगे, तो आपने जब डेबिट को टोटल किया, डेबिट के आइटम को टोटल किया, तो आपका निकल के आता है 3,20,000 नेगेटिव, फिर आपने क्रेडिट देखा तो क्रेडिट में आपका 97,500 पॉजिटिव आ रहा था, तो डेबिट माइनस क्रेडिट करने के बाद आपका माइनस 4,17,500 आ रहा था, क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है माइनस 4,17,500, तो अगर क्रेडिट साइड पे माइनस आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया डेबिट हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया वो डेबिट हो गया। अगर सर मैं अगर क्रेडिट साइड से पकड़ के चलो तो क्रेडिट साइड से पकड़ के चलो, क्रेडिट साइड से पकड़ के चलोगे तो क्या होगा आपका 97,500, फिर आप माइनस करोगे माइनस 3,20,000, तो वो अपने आप ही पॉजिटिव आ जाएगा 4,17,500। क्लियर हुआ, यहां पर दिक्कत होती है। अब देखो 4,17,500 आ गया तो इंटरेस्ट क्या निकलेगा, अपोजिट साइड पे निकलेगा, तो बाय इंटरेस्ट, कैसे निकलेगा इंटरेस्ट बताओ, 4,17,500 का कितना परसेंट था, 10% इंटू 1/365, का 10% डिवाइड बाय 3, ये निकल के आता है 114.38। अब अकाउंट को क्लोज कर लो, अकाउंट को क्लोज करोगे तो आपका आएगा टू बैलेंस सीडी, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं 30 अप्रैल 16 को टू बैलेंस सीडी, एक मिनट टूल होता है, ठीक है हो गया, ऊपर ही आ जाएगा अभी, ठीक है जी। तो क्या लिखोगे आप 30 अप्रैल को टू बैलेंस सीडी कितना आता है, चेक करो 10,000 प्लस 7,500 प्लस 6,000 प्लस 114.38 माइनस 5,000 माइनस 15,000 माइनस 1,000 माइनस 5,000, अच्छा ये तो ऑपोजिट साइड पर आ रहे हैं, तो 2,385 ये टू बैलेंस सीडी आ रहा है, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है, ये टू बैलेंस सीडी ना आके बाय बैलेंस सीडी आ रहा है, तो बाय बैलेंस सीडी लिख देते हैं, बाय बैलेंस सीडी कितना 2385,
2385.62, ठीक है जी। तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये नेगेटिव का था, इसी को बोलते हैं रेड इंक इंटेस्ट। आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में थोड़ा अलग तरीके से कर रखा है, आपको वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो तरीका मैंने कराया है ये बहुत ही सिंपल तरीका है, वो वाला तरीका अपनाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये वाला तरीका आपका सिंपल है, इसी तरीके से आपको काम करके चलना है। ध्यान रखना नेगेटिव है नॉर्मल नेगेटिव करते चलो, काम ही बिल्कुल नॉर्मल करना है, नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है आपको किसमें, ध्यान रखना है आपको ये निकालते समय, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालते समय, ये जो 417,500 आया ना ये बड़ी ध्यान से निकालना, ये बड़ी ध्यान से निकालना, ठीक है जी। चलो तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है जी। सिक्स क्वेश्चन पे भी आता हूं मैं, सिक्स और सेवन में से कोई भी एक करा दूंगा, सिक्स करा दूंगा, सेवन आप लोग खुद कर लेना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर एन अकाउंट करंट एज सेंड बाय मिस्टर राम टू मिस्टर शिवा ऑन 30th October बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट मेथड। नॉर्मल है क्वेश्चन, बैलेंस ड्यू, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स रिटर्न, शिवा पेड बाय चेक, कैश रिसीव फ्रॉम शिवा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में भी आपका जी और एच के बीच में ट्रांजेक्शन है, प्रोमिसरी नोट है, प्रोमिसरी नोट का मतलब बीआर ही होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही होता है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। टेंथ क्वेश्चन में मिस्टर ए ओड 4,000 रुपए ऑन 1st January 2016 टू मिस्टर एक्स, ठीक है जी, ए ने ओ करे हुए हैं, तो यानी कि ए को, मिस्टर ए ओड का मतलब क्या होता है, ए ओड मतलब ए को पैसा पे करना है टू एक्स, ठीक है जी। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ओपनिंग बैलेंस में पहले दिन में इंक्लूड करके चलोगे, सॉरी। इलेवेंथ क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ट्वेल्थ भी आपका नॉर्मल है, ये सारे ना ऊपर जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनसे मिलती जुलती ही ट्रांजेक्शन है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी अभी आपने किया है, इसी टाइप का क्वेश्चन, तो ये भी आप कर सकते हो, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। तो अब बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं आपके नॉर्मल क्वेश्चन है, तो यानी कि कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर सेवेंथ से लेकर, क्वेश्चन नंबर 14th तक आपके होमवर्क है, ये सब आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, 7 to 14, बड़ी आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूं, अगर आप कहते हो तो एक क्वेश्चन कोई पकड़ू, देखो एक तो हमें क्लास में, अभी क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है, एक मैं काम करता हूं क्वेश्चन नंबर 14th करा देता हूं, और मैं देख रहा हूं कोई क्वेश्चन अगर लगता है 14th, एक ये कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10th कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, ये तीन क्वेश्चन करा देता हूं, तो 14th नहीं आपके 13th हो गया, तो आपका होमवर्क अब चेंज हो गया थोड़ा सा, क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th 11th 12th 13th, ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। और पहले मैंने क्वेश्चन दिया था आपको क्वेश्चन नंबर 3 and 4, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, और ये 3 क्वेश्चन अभी हम क्लास में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 14th और 10th। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 10th कराता हूं, क्वेश्चन ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, ये 10th और 14th वैसे कोई क्वेश्चन करने वाले नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, तो मैं आपको ये दो क्वेश्चन कराता हूं। आओ जी क्वेश्चन नंबर 10th ही पढ़ लो पहले, पढ़ो। मिस्टर ए ओड 4,000 ऑन 1st January 2016 टू मिस्टर एक्स, ठीक है जी, ए को पैसा पे करना है टू मिस्टर एक्स को 1st January 2016 को 4,000 रुपए। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन द डैम, इट इज एग्रीड बिटवीन द पार्टीज दैट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन ऑल द ट्रांजेक्शन। 15 January को मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू ए, 29 January को मिस्टर एक्स बॉट गुड्स फ्रॉम ए, 10th Feb को मिस्टर ए पेड कैश टू ए, ए पेड कैश टू एक्स, देन मिस्टर ए एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय एक्स, एक्स ने बिल ड्रॉ किया, मिस्टर ए ने एक्सेप्ट किया, दे एग्री टू सेटल कंप्लीट अकाउंट्स बाय वन सिंगल पेमेंट ऑन 15th मार्च, तो ये डेट ऑफ अकाउंट करंट हमारी क्या होगी, 15th मार्च होगी।
प्रिपेयर मिस्टर ए इन अकाउंट करंट विद मिस्टर एक्स एसरटेन द अमाउंट टू बी पेड. हाँ जी, प्रिपेयर ए इन अकाउंट करंट विद एक्स एसरटेन द अमाउंट टू बी पेड. हमें क्या बनाना है, हमें ए का अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स. ए इन अकाउंट करंट विद एक्स मतलब एक्स की बुक्स में ए का अकाउंट. क्या लिखा आपने, मिस्टर ए इन अकाउंट करंट विद मिस्टर एक्स अप टू कौन सी डेट तक, 15th मार्च, 15th मार्च 2016 इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ क्या था जी, 10% पर है. डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट ड्यू डेट डेज प्रोडक्ट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट ड्यू डेट डेज प्रोडक्ट हाँ जी चलिए. अब हमें किसकी बुक्स में बनाना है, ध्यान रखो एक्स की बुक्स में ए का अकाउंट बनाना है. तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मिस्टर ए ओड 4000 टू मिस्टर एक्स, यानी कि ए को पेमेंट करनी है, ए को पेमेंट करनी है, तो मिस्टर एक्स को तो ए से पैसे लेने हैं, तो ए क्या बन गया, हमारा डेटर बन गया. तो 1st जनवरी 2016 को टू बैलेंस बी डी कितना पैसा लेना है, 4000 रुपए लेने. इसकी ड्यू डेट क्या रहेगी, ड्यू डेट भी सर ये रहेगी 1/1/16. उसके बाद इंटरेस्ट लिख दिया, ठीक है जी. 15 जनवरी को मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए, एक्स ने सेल करी 15 जनवरी को, एक्स ने क्या करी जी, सेल करी, टू सेल्स, कितने की सेल करी, 2230. क्या इसकी ड्यू डेट गिवन है, नहीं, तो ड्यू डेट सेम लोगे 15 जनवरी 16. उसके बाद 29th जनवरी को एक्स बॉट गुड्स फ्रॉम ए, 29th जनवरी को परचेज करी, बाय परचेज 1200 की, ड्यू डेट सेम. उसके बाद 10th फेब को मिस्टर ए पेड कैश टू एक्स, मिस्टर ए पेड कैश, तो एक्स को क्या होगा, एक्स को पैसा रिसीव होगा, एक्स को पैसा रिसीव होगा तो क्या एंट्री डालेगा वो बताइए जी, बाय कैश, बाय कैश. कौन सी डेट पे आया कैश, 10th फेब को, कितने रुपए, 1000 रुपए, 10th फेब को 1000 रुपए कैश आ गया. उसके बाद 13th मार्च को मिस्टर ए एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय एक्स, मिस्टर ए एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर ए ने एक्सेप्ट किया, मिस्टर ए ने एक्सेप्ट किया बिल ड्रॉ बाय मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स ने बिल ड्रॉ किया जिसको मिस्टर ए ने एक्सेप्ट किया, तो एक्स के लिए क्या बन जाएगा, एक्स के लिए बनेगा बीआर, तो वो एंट्री क्या डालेगा, वो एंट्री डालेगा बीआर टू, वो एंट्री क्या डालेगा बीआर टू बताइए जी, बीआर टू ए, बताइए जी, दोबारा सुनो, मिस्टर ए एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ने कुछ बिल ड्रॉ किया जिसको मिस्टर ए ने एक्सेप्ट करा, तो बी आर किसके लिए है, बी आर है एक्स के लिए, तो एक्स का अकाउंट बना रहे हैं, एक्स की बुक्स में अकाउंट बना रहे हैं, तो एक्स के लिए क्या बनेगा, बी आर बनेगा, तो वह एंट्री क्या डालेगा, बी आर टू मिस्टर ए, तो वह एंट्री लिखेगा बाय बी आर. कौन सी डेट की है जी, 13th मार्च, 13th मार्च, वो कह रहा है एक महीने का क्या है जी, एक महीने का ड्यू डेट है, तो एक महीने का मतलब हो गया अप्रैल में आ जाएगी,
लेकिन एक ध्यान रखना है यहां पर क्या लिखा है इसने, इग्नोर डेज ऑफ ग्रेस, ग्रेस डेज को इग्नोर करके चलना है, तो यानी कि हम 13th अप्रैल ही यहां पर ले लेंगे, पर तो सेम ही है कि 10th, ठीक है जी। चलो अब डेज की कैलकुलेशन करते हैं, अब डेज की कैलकुलेशन करते हैं, डेज कैसे कैसे निकलेंगे जी, ड्यू डेट से लेकर अकाउंट करंट की डेट तक का, ये ध्यान रखना। 13th अप्रैल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है इग्नोर द डेज ऑफ ग्रेस। तो 1 जनवरी से 15 मार्च तक कितने दिन हुए, ओपनिंग बैलेंस है तो पहले दिन भी इंक्लूड करोगे, तो डेज कैलकुलेट करो 31 जनवरी, फेब के कितने मानोगे, फेब के यहां पर कुछ नहीं दे रहेगा तो एज्यूम 29 डेज इन फेब, क्योंकि 2016 लीप ईयर है तो 29 दिन मान लेते हैं, फेब के 29, मार्च के 15, तो हो गया 74, और पहले दिन में इंक्लूड करोगे तो ये आ जाएंगे आपके 75। उसके बाद 15 जनवरी से 15 मार्च, जनवरी फेब मार्च 60 आ गई, 29 जनवरी से 15 मार्च, फेब मार्च 46, 10 फेब से 15 मार्च 34, अब 13 अप्रैल से 15 मार्च, सर ये तो रिवर्स चला गया तो नेगेटिव हो जाएगा, अभी हमने किया तो सही नेगेटिव वाला पॉइंट, तो नेगेटिव हो जाएगा, बताइए नेगेटिव कितने दिन होते हैं, मार्च और ये हो गया 29 डेज नेगेटिव, ओके। अब करो सॉल्व, 4000 × 75 ये हो गया आपका 3 लाख, 2230 × 60 133800, ठीक है, 1200 × 46 55200, 1000 × 34 ये हो गया 34000, और ये रेड कलर से लिख देता है क्योंकि रेड इंक है, तो 2000 × 29 ये हो गया 58000 नेगेटिव। अब प्रोडक्ट, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालो, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट के लिए क्या बताया था मैंने, एक साइड पकड़ लो, कौन सी साइड पकड़ोगे, सर ऑब्वियसली डेबिट ज्यादा है तो डेबिट साइड पकड़ते हैं, तो क्या निकलेगा, 3 लाख प्लस 133800 माइनस करोगे 55200, माइनस करोगे 34000, माइनस करोगे -58, तो 58 सर क्या हो जाएगा, 58 ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा 4,02,600, और क्योंकि इसी साइड आ रहे तो हम यहां लिख देंगे 15 मार्च को बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना 4,02,600, ओके। तो इंटरेस्ट हमारा ऑपोजिट साइड पे निकलेगा, 15 मार्च 16 टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा जी, इंटरेस्ट करो कैलकुलेट, 4,02,600 का कितना परसेंट, 10% इंटू 1/366 ले लेते हैं, का 10% डिवाइडेड बाय 360 ये हो गया 110 रुपए पूरा, 110 रुपए। अब निकाल लो बैलेंस, बैलेंस ऑब्वियसली क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि वो ज्यादा है, तो 15 मार्च 16 को बाय बैलेंस सीडी, बताओ बच्चे कितना आता है, 4000 प्लस 2230 प्लस 110 माइनस 1200 माइनस 1000 माइनस 2000 2140 रुपए का आपका बैलेंस है, ठीक है जी, ओके। क्लियर है जी, आया क्वेश्चन समझ में, हाँ जी बोलो जी, क्लियर, चलो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th, तो हमारा 10th क्वेश्चन भी हो गया, अब मैं कराता हूं आपको 14th।
देन सिक्स। आइए जी क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी ये देखिए कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर परफेक्ट प्रिपेयर एन अकाउंट करंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट टू बी सेंट बाय हिम टू मिस्टर स्मार्ट। ठीक है जी कौन अकाउंट बना रहा है? मिस्टर परफेक्ट अकाउंट बना रहा है। किसका अकाउंट बना रहा है? मिस्टर स्मार्ट का। यानी कि मिस्टर स्मार्ट इज इन अकाउंट करंट विद मिस्टर परफेक्ट, या फिर आप कह सकते हैं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर परफेक्ट मिस्टर स्मार्ट का अकाउंट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो डेट ऑफ अकाउंट करंट क्या होगी हमारी? 31 मार्च 2019। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज और अलाउड एट 12% पर एनम एंड टेक 365 डेज इन अ ईयर। ठीक है जी ट्रांजेक्शन में आपको दे रखा है 1 जनवरी को बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, मतलब पैसा पे करना है, लाइबिलिटी है। सोल्ड गुड्स टू स्मार्ट, सोल्ड गुड्स टू स्मार्ट, कैश रिसीव, कैश रिसीव, गुड्स रिटर्न बाय स्मार्ट एंड कैश रिसीव। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। तो मिस्टर स्मार्ट इज इन अकाउंट करंट विद मिस्टर परफेक्ट अप टू क्या डेट थी? 31 मार्च 2019। और इंटरेस्ट क्या था? 12%। 31 मार्च 2019 एंड इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। ओके जी बनाइए फॉर्मेट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट ड्यू डेट डेज प्रोडक्ट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट ड्यू डेट एंड प्रोडक्ट। ठीक है जी देखिए जी सबसे पहले 1 जनवरी को क्रेडिट बैलेंस है, 1 जनवरी को क्रेडिट बैलेंस तो 1119 बाय बैलेंस बीडी कितना क्रेडिट बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस इज 3500। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू स्मार्ट 12 जनवरी को, 12 जनवरी को गुड्स सेल करें यानी कि टू सेल्स, अमाउंट इज 30,000 और ड्यू डेट 1 फेब, अमाउंट इज 30,000 एंड ड्यू डेट इज 1 फेब 19। ओके उसके बाद 31 जनवरी को सोल्ड गुड्स अगेन, 31 जनवरी गुड्स सोल्ड टू सेल्स 27,515 फेब, 27,500 और ड्यू डेट इज 15 फेब। ठीक है जी उसके बाद 15 फेब को कैश रिसीव्ड, 15 फेब को कैश रिसीव्ड बाय कैश कितना जी? 40,000।
ड्यू डेट तो कैश रिसीव में सही नहीं रहेगी, 15 फेब। उसके बाद 20 फेब को 7500 कैश रिसीव, 20 फेब को बाय कैश 7500, 20 फेब। उसके बाद 10 मार्च को गुड्स रिटर्न्ड बाय स्मार्ट, 10 मार्च को गुड्स रिटर्न यानी कि बाय सेल्स रिटर्न 7000। कुछ नहीं दे रही थी तो सेम डेट 10 मार्च। उसके बाद 25 मार्च को कैश रिसीव 6500, 25 मार्च को कैश रिसीव्ड बाय कैश 6500, 25 मार्च, ठीक है। ओके जी, इसकी डेट क्या रहेगी, इसकी 1190 ही रहेगी। ओके, अब क्या करेंगे आप, अब आप निकालेंगे डेज, डेज कहां से कहां तक के जी, डेज बताइए, डेज ड्यू डेट से लेकर अप टू द डेट ऑफ अकाउंट करंट, बताइए कितने दिन बनते हैं। फर्स्ट फेब से लेकर 31 मार्च तक के कितने दिन, फर्स्ट फेब, फेब में हम लेंगे, उसमें क्वेश्चन में हिंट दे रखा था, कुछ क्वेश्चन में डेज का हिंट दे रखा है 365, तो 28 दिन है, तो 28 माइनस फर्स्ट प्लस फर्स्ट और 31 मार्च, ये हो गया आपके 58 डेज, दिस कम्स टू 58 डेज। 15 फेब से 31 मार्च 44, अब इतना चाहिए। फर्स्ट जनवरी से इसमें एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा, डेज एंड प्रोडक्ट, हाँ जी, फर्स्ट जनवरी से 31 मार्च, जनवरी लेकिन ओपनिंग बैलेंस है तो मैं पहला दिन इंक्लूड करूंगा तो 90 डेज आ जाएंगे। 15 फेब से 31 मार्च, 15 फेब से अभी निकाले थे हमने 44, 20 फेब से 39, 10 मार्च से 21, 25 मार्च से 6, प्रोडक्ट निकालो जी, 30,000 into 58 17,40,000, कितना आ गया जी, 17,40,000, 27,500 into 44, 12,10,000। उसके बाद 3,500 into 90, 3,15,000, 3,15,000, 40,000 into 44, 17,60,000, 17,60,000, 7,500 into 39, 292,500, 2,92,500, 7,000 into 21, 1,47,000, 1,47,000, 6,500 into 6, 39,000, ठीक है जी। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं, किधर आएगा, इधर ही आना चाहिए, चेक करते हैं एक बार, 17,40 प्लस 12,10 माइनस 3,15 माइनस 17,60 माइनस 292,500 माइनस 147 माइनस 39,000, तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट से 396,500, 3,96,500 31 मार्च को बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगेगा ऑपोजिट साइड पे, 31 मार्च को टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा जी, बताइए प्रोडक्ट कितना था, 396,500, तो ये निकलेगा आपका 396,500 का 12% into 1/365,
130.35, 130.35 क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं, देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस क्या आता है। 30,000 प्लस 2,500 प्लस 30,000 प्लस 2,500 प्लस 130.35 माइनस 3,500 माइनस 40,000 माइनस 7,500 माइनस 40,000 ये आ गया 6,869। ठीक है जी, ये आपका डेबिट साइड पे आ रहा है, टू बैलेंस सीडी। अब ये अमाउंट पेबल ना के रिसीवेबल आ रहा है कितना, 6,869.65। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है बच्चे, चलो अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैप्टर का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। आइए जी क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए क्या कहता है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा मेथड बनता है जी प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड। प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड में होता है कि देखिए अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस करे उसमें हमने क्या किया, एक फाइनल बैलेंस निकाला, उस फाइनल बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट लगाया। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड में क्या होता है कि हर रोज हर ट्रांजेक्शन के बाद क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाता है और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करी जाएगी। ये वाला जो मेथड है जनरली बैंक फॉलो करते हैं। अगर आप लोगों ने अपनी बैंक की पासबुक देखी हो या स्टेटमेंट देखी हो तो आपको रनिंग बैलेंस मिलता है। रनिंग बैलेंस मिलने का मतलब क्या है, हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको अपना अकाउंट बैलेंस मिलेगा, चाहे वो डिपॉजिट हो चाहे वो विड्रॉल हो, हर ट्रांजेक्शन के बाद यू विल गेट योर अकाउंट बैलेंस। तो इंटरेस्ट भी आपका हर बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए कैलकुलेशन किस हिसाब से होगी, देखिए एक तरीका समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट तो वही है एक, लेकिन करने का तरीका अलग है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 2 जनवरी 2016 विनोद ओपन्ड अ करंट अकाउंट विद इलाहाबाद बैंक लिमिटेड एंड डिपॉजिटेड अ सम ऑफ रुपीज 30,000। ठीक है जी, उसने एक बैंक अकाउंट खुलवाया और 30,000 रुपए उसमें जमा कराए। ही फर्दर डिपॉजिट्स द फॉलोइंग अमाउंट, इसने ये कुछ अमाउंट भी डिपॉजिट कराया 15 मार्च 12 मार्च और 10 मई को 12 8 और 16 के हिसाब से। ही विड्रॉल एज वेल एज उसने इस हिसाब से पैसा विड्रॉ भी किया। शो विनोद अकाउंट इन द लेजर ऑफ इलाहाबाद बैंक, ठीक है इलाहाबाद बैंक की बुक्स में हमें विनोद का लेजर अकाउंट बनाना है। इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड 5% ऑन द डेबिट बैलेंस, अगर तो डेबिट बैलेंस होगा तो 5% का इंटरेस्ट लगेगा और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो 2% का। अगर आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस। अगर मेरा अकाउंट है किसी बैंक में और बैंक मेरा क्रेडिट बैलेंस बता रही है तो मतलब मेरा पॉजिटिव बैलेंस है, मुझे उस पर 2% का इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर बैंक डेबिट बैलेंस बता रही है तो मेरा क्या है, नेगेटिव बैलेंस है, मेरे पे 5% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड अप टू 30 जून, 30 जून तक का बनाने, 30 जून क्या होगी हमारी डेट ऑफ अकाउंट करंट होगी। कैलकुलेशन शुड बी मेड टू द नियरेस्ट रूपी, एज्यूम 1 ईयर टू बी 365 डेज। ठीक है जी, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन हमें किस तरीके से करके चलना है। विनोद, विनोद ही नाम था, हाँ जी विनोद, करंट अकाउंट विद इलाहाबाद बैंक लिमिटेड। ठीक है जी, अब कॉलम किस हिसाब से बनाओगे, डेट
पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट अमाउंट, यहां पर आप बताएंगे डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ठीक है जी। यहां पर आपका बैलेंस आ जाएगा, फिर यहां पर आपके डेज आ जाएंगे, यहां पर आप निकालेंगे डेबिट प्रोडक्ट एंड दिस साइड योर क्रेडिट प्रोडक्ट। देखो जी डेट सबसे पहले, हाँ जी क्या थी, उसने शुरुआत कब करी थी, 2 जनवरी को 30,000 रुपए जमा कराकर, तो मैं लिख सकता हूं 2 जनवरी 16 को उसने 30,000 रुपए जमा कराए, तो लिखेगा बाय कैश, बाय कैश। डेबिट हुए या क्रेडिट हुए, पैसा जमा कराया मतलब क्रेडिट हो गए, बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गए, तो बैलेंस क्या आएगा सर, 30,000 रुपए का क्रेडिट आ रहा होगा, 30,000 रुपए का क्रेडिट आ रहा होगा। अभी सब ट्रांजेक्शन को पोस्ट करेंगे, उसके बाद डेट वाइज चलना है, 2 जनवरी के बाद देखिए कौन सी डेट आती है, 2 जनवरी के बाद आती है 15 जनवरी 12,000 रुपए, 15 जनवरी 12,000 रुपए उसने फिर जमा कराए बाय कैश 12,000 रुपए, तो ये भी क्रेडिट हो गया। और टोटल बैलेंस कितना आ गया अकाउंट में, 42,000, कितना आ गया जो 40, 30,000 पहले था 12,000 रुपए और जमा करा दिए। अब 15 जनवरी के बाद देखिए कौन सी डेट आती है, फिर आती है 15 जनवरी के बाद ये 15 फरवरी, 15 फेब को क्या किया, 15 फेब को 26,000 रुपए विड्रॉ करे टू सेल्फ, लिख दो सेल्फ मतलब चेक से विड्रॉ करे, कितने रुपए थे 26,000 डेबिट हो गए, विड्रॉ मतलब डेबिट हो गए। अब बैलेंस देखिए 42,000 क्रेडिट था, 26,000 रुपए विड्रॉ हो गए, तो अभी भी बैलेंस क्रेडिट ही रहेगा, कितना 42 माइनस 26 दैट इज 16,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस अभी भी आ रहा है। उसके बाद 15 फेब के बाद, 15 फेब के बाद डेट आती है 12 मार्च को डिपॉजिट हुए 8,000 रुपए, 12 मार्च को डिपॉजिट हुए बाय कैश 8,000 रुपए जमा हो गए, तो बैलेंस क्या रहेगा 24,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस हो गया। उसके बाद 12 मार्च के बाद डेट देखिए, 12 मार्च के बाद आती है आपकी 10 अप्रैल को 30,000 रुपए विड्रॉ, 10 अप्रैल को टू सेल्फ 30,000 रुपए विड्रॉ, तो विड्रॉ मतलब डेबिट हो जाएंगे, 30,000 रुपए विड्रॉ। बताइए जी अब बैलेंस नेगेटिव चला गया कितना, नेगेटिव मतलब डेबिट चला गया कितना, 6,000 रुपए का डेबिट चला गया। ओके उसके बाद 10 अप्रैल के बाद, 10 अप्रैल के बाद आती है आपकी डेट 10th मई, 16,000 रुपए जमा 10th मई को जमा हुए यानी कि बाय कैश 16,000 रुपए डिपॉजिट, 16,000 रुपए डिपॉजिट मतलब 6,000 रुपए नेगेटिव था, 16,000 रुपए और जमा करा दिए, तो बैलेंस क्रेडिट हो गया कितना 10,000 रुपए का बैलेंस आ गया। आगे देखिए इसके बाद ये कौन सी डेट थी आपकी 10th मई, 10th मई के बाद आती है आपकी 15 जून, 15 जून, 15 जून को क्या हुआ, 15 जून को विड्रॉ हुए हैं 14,000 टू सेल्फ, विड्रॉ हुए कितने 14,000, 14,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। बताइए जी क्या आ जाएगा आपका बैलेंस, हाँ जी What will be your balance? ये आपका आ जाएगा 10,000 रुपए क्रेडिट था और 14,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो आपका डेबिट बैलेंस पहुंच गया कितना 4,000 रुपए। बताइए जी, हाँ जी यहां तक समझ में आता है, ओके सर यहां तक समझ में आता है। अब क्या करना है आपको, अब आपको प्रोडक्ट निकालना है, कैसे डेज देखने हैं, डेज कैसे देखोगे सर, अगर आप इंटरेस्ट की बात करो तो मुझे बताओ बैंक जो 30,000 रुपए पे इंटरेस्ट देगा, ये जो 30,000 रुपए पे इंटरेस्ट देगा वो कितने दिन का देगा सर, 30,000 रुपए पे इंटरेस्ट देगा 2 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, क्योंकि उसके बाद तो बैलेंस एक्यूमुलेट हो रहा है और क्यूमुलेट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर उसके बाद इंटरेस्ट देगा। तो मैं बोलू 30,000 रुपए का इंटरेस्ट बैंक कितने दिन पे देगा, 13 दिन पे देगा, 13 कैसे निकला 2 माइनस 15, फिर उसके बाद 42,000 पे इंटरेस्ट कितना देगा 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक,
ये आपके बनते हैं मेरे ख्याल से 31 डेज, तो 31 डेज कब देगा। फिर उसके बाद ऐसे आप डेज निकालते चलिए, 15 फेब से 12 मार्च तक ये आपके बनते हैं 25 दिन, फिर 12 मार्च से 10 अप्रैल तक ये आपके बनते हैं 29 डेज, फिर 10 अप्रैल से 10 मई तक ये आपके बनते हैं 30 डेज, फिर 10 मई से 15 जून तक ये आपके बनते हैं 36 डेज, और फिर 15 जून से लेकर आपका 30 जून जो आपका लास्ट डेट रहेगी 30 जून, वहां तक आपके बनते हैं लगभग 16 दिन। ठीक है जी, अब आप प्रोडक्ट निकालीजिए, डेबिट है तो डेबिट प्रोडक्ट, क्रेडिट है तो क्रेडिट प्रोडक्ट। मुझे बताइए पहले केस में क्या आएगा जी, क्रेडिट प्रोडक्ट आएगा 3,90,000, दूसरे केस में क्या आएगा, दूसरे में भी क्रेडिट आएगा कितना, 42,000 इंटू 31 यह आएगा 13,02,000, तीसरे केस में भी आपका क्रेडिट आएगा कितना, यह आएगा आपका 4,00,000 रुपए क्रेडिट, फोर्थ केस में भी क्रेडिट आएगा 24,000 × 29 यह आ जाएगा आपका 696,000, फिर आपका डेबिट आएगा 180, अगे फिर आपका क्रेडिट में आ जाएगा कितना 360, देन आपका डेबिट आएगा कितना 64,000। टोटल कीजिए, हाँ जी प्रोडक्ट का टोटल कीजिए, प्रोडक्ट का टोटल, डेबिट प्रोडक्ट का टोटल आता है आपका 244 और क्रेडिट का आता है आपका 31,48,000। ये प्रोडक्ट का टोटल हो गया। अब इंटरेस्ट निकालते हैं, अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी जी, देखिए जी इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। वो क्या बता रहा था कि जो डेबिट बैलेंस रहेगा उस पर तो 5% का इंटरेस्ट चार्ज होगा, यानी कि 244,000 का 5% इंटू 1/365, सर 1/365 को क्योंकि प्रोडक्ट है, तो 244 का 5% डिवाइडेड बाय 365 यानी कि 33 रुपीज का तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, 33.42 का तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये होगा चार्ज, और 31,48,000 का 2% ये इंटरेस्ट पे किया जाएगा, ये पेड कितना आता है 30% डिवाइडेड बाय 365 172.49 ये हो गया पेड। तो नेट इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट क्या होगा, पे किया जाएगा, नेट इंटरेस्ट पेड कितना 172.49 माइनस 33.42 ये आपका आ जाएगा 139.07। इतने का इंटरेस्ट पे किया जाएगा, मतलब कस्टमर को मिलेगा, तो कस्टमर को मिलेगा तो एंट्री क्या बनेगी बताइए जी, कस्टमर को मिलेगा तो उसके अकाउंट में तो क्रेडिट हो जाएगा, तो वो क्या लिखेंगे जी, बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट कितना जी 139.07, राउंड ऑफ कर देता है 140 लिख लेता हूं, 140। अब बताइए डेबिट बैलेंस था सर 4,000 रुपए का और 140 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो डेबिट बैलेंस ही रहेगा लेकिन कम हो जाएगा, 4,000 माइनस 140 कितना 3,860। तो अगर आप देखेंगे तो 30 जून को बैलेंस रहेगा अकाउंट में बाय बैलेंस सीडी, डेबिट बैलेंस कितना 3,860 का। ठीक है जी बताइए, तो ये हमारा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूं, दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड। ठीक है जी, जहां पर रनिंग बैलेंस डे बाय डे आपका बैलेंस क्या होता है जी, चेंज होता चला जाता है। क्लियर है जी, बताइए इसी के जैसा ही हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7th, ये पार्टनरशिप फॉर्म का है, दिस इज योर फर्म,
ये पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है, डेबिट बैलेंस है, फिर उसने डिपॉजिट करे, विड्रॉ करे, तो एक तरीके से हो जाएगा कि अगर डेबिट बैलेंस है तो 10% और क्रेडिट बैलेंस है तो 8% का इंटरेस्ट आपको बनाना है रोशन का अकाउंट, ठीक है जी। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब हाँ जी, सो इसी के साथ हमारा अकाउंट करंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं, 7-8 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, जरूर 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 घर पे कर लीजिएगा। चैप्टर तो बहुत आसान है, प्रैक्टिस चाहिए। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। और सब 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, बहुत स्कोरिंग है। मैंने पहले बताया था एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट और अगला टॉपिक जो हमारा होगा सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल। इन 3 चैप्टर्स में से 5 नंबर के 2 क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो ये तीनों चैप्टर बहुत आसान है, अच्छे से इसको करके चलेगा, ठीक है जी। चलिए फिर कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।